नमस्कार सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हुड़िया गौड़। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। शहर से लेकर गांव तक सुहागिन महिलाओं और युवतियों ने मनाया गोधन और भैया दूज का पर्व। शहर से लेकर गांव तक कायस समाज के लोगों ने भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा स्थापित कर धूमधाम के साथ पूजा अर्चना की। और छठ पूजा को लेकर आरपीए पुलिस ने ड्रोन से यात्रियों की सुरक्षा को लेकर निगरानी करेगी। तो ये थे आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। शहर से लेकर गांव तक महिलाएं और युवती ने गोवर्धन पूजा कर धूमधाम से भैया दूज का पर्व मनाया। गोवर्धन पूजा व भैया दूज का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान युवतियों व महिलाओं ने अपने मोहल्ले व गांव में जगह जगह गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की आकृतियां बनाकर उनकी पूजा की। इस दौरान युवतियां व महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाए और लोटे व मूसर से भगवान गोवर्धन को कूट कर उन्हें श्रापा। वहीं भैया दूज के अवसर पर बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक व रोली लगाकर उनके दीर्घायु होने की मंगल कामना की। भाई दूज को लेकर यमराज की कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर आए थे। वहां यमुना ने यमराज को भोजन कराया और तिलक लगाकर उनके खुशहाली जीवन की कामना की। इससे यमराज बहुत खुश हुए और यमुना से वरदान मांगने को कहा। तब यमुना ने कहा कि आप हर बार इस दिन मेरे घर आया करें। तब यमराज ने उनकी बात मान ली और कहा कि आज से जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाएगा और बहन भाई का इसी तरह प्रेम पूर्वक सत्कार करेगी, उन भाई बहनों का संबंध ताउम्र प्रेम पूर्वक रहेगा, ऐसे भाई को दीर्घायु प्राप्त होगी। तब से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज मनाया जाता है। बहुत खुशी मिल रही है कि छठ से गोवर्धन पूजा शुरुआत हो गई है। बहुत अच्छी लग रहा है और ये भाई का है और इसलिए किए जाते हैं क्योंकि भाई की लंबी उम्र हो और बहुत अच्छे से बहुत मन से किया जाता है। क्या कुछ विधि है पूजा का? बहुत कुछ विधि है, मन से किया जाए पूजा का। भाई लोग है ताकि वो कभी भी गलत संगत गलत परिस्थितियों में नहीं आए। फिर उनकी लंबी दुआ करते हैं कि उम्र अच्छी हो, यम देवता खुश हो और उनके परिवार को हमेशा खुशी रखे। पहले शराब तो पीते ताकि भाई हमारे किसी गलत संगत में ना, बुरी परिस्थितियों में ना आ जाए, कुछ गलत चीजों का सेवन ना करने लगे। उससे रक्षा करने के लिए भाई को श्रापते हैं ताकि उसकी आयु बढ़े और गलत संगति से बचे रहे। वहीं दूसरी ओर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी के घर पर सुहागिन महिला और युवतियों ने भगवान गोवर्धन की आकृति बनाकर पूजा की। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने कहा कि गोधन पूजा की है और आज से लेकर आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो गई। अन्नकूट गोवर्धन पूजा भैया दूज है। आज हम लोग सभी अपने आवास पे महिलाएं के साथ आई गोधन पूजा का पूजा करके आज गोधन पूजे हैं हम लोग। आज से हम लोग का छठ पूजा का आज हमसे हम लोग का शुरू हो गया। गोधन पूजा से लेके नहा खा से लेके खरना और छठ पूजा तक हम लोग का आज से शुरू हो गया पूजा। काय समाज के लोगों ने भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा स्थापित कर पूरी रीति रिवाज से पूजा अर्चना की। काय समाज के आराध्य देव श्री चित्रगुप्त जी महाराज की आज पूरे विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को चित्रगुप्त पूजा होती है। काय समाज के लोग भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज की पूजा अर्चना करते हैं। चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर लेखनी, बही खाता, दवात आदि की पूजा की जाती है। इसी के साथ लोग इस दिन लेखनी से संबंधित कार्यों को भी बंद रखते हैं। चित्रगुप्त पूजन को दवात पूजन के नाम से भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चित्रगुप्त जी महाराज का पूजन करने से बुद्धि, वाणी और लेखनी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नाजिरपुर स्थित गायत्री नगर में पिछले 11 वर्षों से गायत्री परिवार द्वारा श्री चित्रगुप्त जी महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। चंदन कुमार ने बताया कि यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है कि इस मोहल्ले में सभी जाति के लोग इस पूजा में अपना सहयोग करते हैं और आशा करते हैं कि नई पीढ़ी के लोग इसे और बेहतर ढंग से मना सके। नमस्कार, मैं चंदन कुमार गायत्री शक्तिपीठ के प्रांगण में हम सभी यहाँ के जो मोहल्ला निवासी हैं वह विगत 11 वर्षों से, ऐसे तो उसके बहुत पहले से भी हो रही है लेकिन अभी का जो टीम है वह विगत 11 वर्षों से काफ़ी हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज का पूजन का कार्यक्रम और सायन काल में जागरण का कार्यक्रम, आप लोग भी आ जाओ बच्चों, आ जाओ कोई दिक्कत, प्रफुल्लित प्रयास होता है वह काफ़ी सराहनीय है। आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ और काफ़ी धूमधाम से
भगवान श्री चित्रगुप्त का आशीष हम लोग लेते हैं और हम लोग का उद्देश्य यहाँ के पूजा में एक विशेषता यह है कि सामान्य तौर पर चित्रगुप्त जी महाराज के पूजन में कास्त समाज के संदर्भ में ही बात होती है, लेकिन यहाँ इस मोहल्ले में हम लोग जितने भी मोहल्ले में लोग हैं चाहे किसी भी वर्ग से हो सब लोग का परस्पर सहयोग मिलता है और खुल करके खुले दिल से लोग सहयोग करते हैं। हम लोग इसको लेखनी धारकों की पूजा के रूप में लेकर चलते हैं और जो लोगों का जो सहयोग मिलता है वो अभूतपूर्व मिलता है। और अवैध मिट्टी खनन से चंदवारा छठ घाट की स्थिति दयनीय हो गई है। प्रशासन की बेरुखी से लोग परेशान हैं। निजी फंड से कराया जा रहा है घाट बनाने का काम। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत होने में महज दो दिन ही बच गए हैं। ऐसे में छठ घाटों की तैयारी शुरू हो गई है। सिटी न्यूज का खास कार्यक्रम उगहे सूरजदेव घाटों की तैयारी का जायजा लेने के लिए सिटी न्यूज की टीम शहर के सटे बड़ा जगन्नाथ पंचायत स्थित चंदवारा बूढ़ी गंडक नदी पहुंची, जहां घाटों की तैयारी जोरों पर चल रही है, जिसको लेकर सवारने के कार्य को जाति धर्म से ऊपर उठकर हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग मिलजुल कर रहे हैं, जिसमें मोहम्मद सब्दुल, मोहम्मद मुसीम मुख्तार, पिंटू कुमार, अमितेश चौधरी, सुशांत पासवान सहित अन्य लोग शामिल रहे। हालांकि अभी तक सरकारी फंड से यह तैयारी नहीं की जा रही है, बल्कि यह तैयारी निजी फंड से कराया जा रहा है। बड़ा जगन्नाथ पंचायत के पूर्व मुखिया उमेश शाह ने कहा कि अवैध मिट्टी खनन के कारण चंदवारा घाट की स्थिति काफी ज्यादा दयनीय हो गई है। रास्ता भी खराब है, जिसको अपने निजी फंड से बनाया जा रहा है। मुशहरी सीओ घाट देखने के लिए सूचना दी गई थी, लेकिन अभी तक कर्मचारी और न ही सीओ पहुंचे हैं। जी, छठ घाट के हम लोग तैयारी कर रहे हैं, निमंत्रण में लगे हुए हैं छठ के लिए। छठ के लिए घाट बना रहे हैं हम लोग, 10 आदमी से आए हैं, बना रहे हैं। हम लोग आए हैं चौक पर से बुला के लाए हैं बनाने के लिए घाट को। किनका घाट बन रहा है? पूरा मुखिया जी हम लोग कहे हैं बनाने के लिए, बुला के लाए हैं। हाँ, घाटों की तैयारी हो रही है, हर साल की भांति इस साल भी घाट की व्यवस्था किया जा रहा है। रोड तो बहुत खराब है, हमने प्रशासन से भी सीओ को भी मैंने उनसे भी बात हुई थी, सीओ साहब को भी बोले थे कि सर व्यवस्था वो करवाइए, तो आश्वस्त किए, लेकिन अभी तक कोई आदमी उनका नहीं आया है, न कर्मचारी आए हैं न सीओ साहब भी आए हैं। अभी खुद हम स्वयं करवा रहे हैं, हर साल भी हम करवाते आ रहे, पूर्व से भी करवाते, 2001 से हम करवाते आ रहे हैं। सरकारी अभी तक नहीं आया? सरकारी अभी तक तो नहीं आया है। सीओ साहब आप बोले थे कि आएंगे, लेकिन आए नहीं। फिर भी अब समय तो करीब आ गया है, तो घाट की स्थिति बहुत दयनीय है, इसको सुधार हम लोग करवा रहे हैं, बनवा रहे हैं, लेबर लोग भी लगे हुए हैं, जेसीबी से हमने कटाई छटाई पूरा करवाए हैं, बाद बाकी कार्य हम लोग लगे हुए हैं। आगे प्रशासन आएंगे सीओ तो फिर आगे विशेष बात करेंगे हम लोग। रास्ता भी कुछ खराब थी, रास्ता को जेसीबी से बनवाया गया है, खुद कल रात को हम लोग 9 बजे रात तक जेसीबी से खड़ा रह के बनवाए हैं उसको, और मिट्टी काटने वाले पूरे नदी किनार को मिट्टी काट करके सारे घाट को बर्बाद कर दिया है। छठ घाट का साफ सफाई हो रहा है, घाट उठ बन रहा है। कैसा गहराई कैसा है इस बार? गहराई ठीक ठाक है, अभी चेक उक हुआ है तो ठीक ठाक है, अभी कहीं कुछ नहीं है, वही साफ सफाई हो रहा है, घाट बन रहा है। कौन घाट है? चंदवारा घाट है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा में मिट्टी से बने चूल्हे का वर्तियां इस्तेमाल करती हैं। एक दर्जन से अधिक परिवार इसे महीनों से बना रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार में लोक आस्था का महापर्व छठ का काफी ज्यादा महत्व है। दीपावली खत्म होते ही लोग इसकी तैयारी में जुट जाते हैं, जिसमें बांस के छीप से बने सूप डाला, मिट्टी का चूल्हा, फल सहित अन्य सामग्री की खरीदारी में लोग जुट गए हैं। ऐसे में इस महापर्व में मिट्टी से बने चूल्हा का काफी ज्यादा महत्व है। सभी छठ व्रतियां इसकी खरीदारी करती हैं। पुरानी मान्यताओं की माने तो इस पर्व में मिट्टी के बने चूल्हे पर बनाया गया पकवान से ही भगवान को भोग लगाया जाता है, जो शुद्ध माना जाता है। मिट्टी का चूल्हा शहर के चंदवारा सोडा इलाके में खूब बनाई जाती है। यहीं से शहर के विभिन्न इलाकों के लोग खरीदारी करते हैं और बाजारों में भी बिक्री की जाती है। इस इलाके के एक दर्जन से अधिक परिवार वर्षों से मिट्टी का चूल्हा बनाने का काम करते हैं। उनका कहना है कि हम लोग वर्षों से बूढ़ी गंडक नदी से मिट्टी लाकर इसको बनाते हैं। 10 साल से। कहाँ कहाँ से लोग खरीदने के लिए आते हैं? आमगोला से, गुदरी पर, सतपुरा से, पूरा बाजार से आता है, ले आता है पैकार से, पीस के दे देते हैं पैकार के। अभी मार्केट में चूल्हा के रेट है अभी? हाँ है। कितना चूल्हा बना लेते हैं? मतलब 200-250-300 ऐसे। कितना दिन से शुरुआत करते हैं बनाने का? 10 साल से। बनाने का शुरुआत कब करते हैं? मतलब कितना दिन से? नौवीं से बना रहा है।
मट्टी कहाँ से लाते हैं? घाट पर से। घाटी पर से कैसे लाते हैं, मतलब माथा पर रख के लाते हैं फिर ऐसे टेम्पो में? माथा पर। एक महीना से माटी ढो के जमा कर रहे हैं नदी की छार से, तो चूल्हा बना रहे हैं। पबनी लगे छठ पूजा। मार्केट में रेट है चूल्हा क्या अभी दाम मिल रहा है? अभी मिल रहा है 40 रुपये। अच्छा, कितना साल से ये मतलब बिजनेस है? तो 4-5 साल से है। 4-5 साल से। कहाँ कहाँ बिकता है मार्केट में ले जाके? लोग यहाँ भी लेने आते हैं? हम तो पैकारी देते हैं। पैकारी 30 रुपये देते हैं। अब कैसे बेचता है न बेचता है वो समझे। कितना चूल्हा बना लेते हैं छठ में? 150 बना लेते हैं। कितना दिन में? पूरा तो एक महीना से बनाते हैं कि तबियत तो इसमें खराब होता है, बुखार लगता है, सब काम होता है इसमें। छठ पूजा को लेकर गूगल शॉपिंग ने ब्रांडेड कंपनियों के परिधानों पर 50% की भारी छूट दी है। इस त्योहारी सीजन पर पाए ब्रांडेड कंपनियों के शर्ट, जींस, ब्लेजर, कुर्ती सहित विभिन्न कपड़ों के विशाल रेंज पर दे रही है भारी छूट। कल्याणी स्थित गूगल शॉपिंग लेकर आया है ग्राहकों के लिए स्पेशल ऑफर, जहां मिल रहा है 50% तक की जबरदस्त छूट। जहां मिलेगा आपको लेडीज, किड्स, जेंट्स के विभिन्न डिजाइनर व स्टाइलिश कपड़े, जो आपके पर्सनालिटी में लगा देगा 4 चांद। तो देर किस बात की, अभी चले आइए गूगल शॉपिंग पर और पाए स्पार्की, फ्लू, पवेलियन, इंटरग्रेटेड सहित विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों की विशाल रेंज एवं आकर्षक छूट। वहीं इस वेडिंग सीजन अगर आपको है सूट शेरवानी की तलाश, तो गूगल शॉपिंग है आपकी मंजिल, जहां मिलेंगे एक से बढ़कर एक डिजाइनर और ट्रेंडी कपड़े। तो हमारा पता है गूगल शॉपिंग, क्लब रोड, कल्याणी चौक। मेंस वेयर में अपने पास फ्लू, पवेलियन, स्पार्की, किलर, इंटेग्रिटी में जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, एक्सेसरीज, बेल्ट वगैरह सारा प्रोडक्ट मिलेगा। लेडीज वेयर में आपको सूट, गाउन, सरारा, और किड्स वेयर में आपको बाबा सूट वगैरह, एथनिक वेयर, कोट पैंट, सूट, शेरवानी, यानी ऑल रेडीमेड आइटम अवेलेबल है। बच्चों के लिए क्या कुछ अवेलेबल? बच्चों में गर्ल्स फ्रॉक वगैरह आएगा, बाबा सूट आएगा, कोट पैंट सेट आएगा, शेरवानी आएगा। फेस्टिवल का समय अभी चल रहा है, फेस्टिवल में क्या कुछ ऑफ दे रहे हैं ग्राहकों को? अभी छठ स्पेशल में अप टू 50% का ऑल प्रोडक्ट पे ऑफ चल रहा है। फेस्टिवल के बाद लगन भी आने वाला है, जो काफी महत्वपूर्ण होता है, हर कोई चाहते हैं लगन में बेहतर दिखे, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की है? ये ऑफर कंटिन्यू रहेगा वेडिंग सीजन तक। शेरवानी गार्मेंट सारे पे ऑफर है। क्या पता हो गया दुकान का? ये क्लब रोड, कल्याणी, बड़ी कल्याणी। 4 महीने पहले शादी हुई, उसके बाद पति ने उसे छोड़ दिया। पत्नी अब ससुराल पहुंची और अपने पति के साथ रहने के लिए जिद पर अड़ गई है। यह तो सुना था कि प्यार को मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्रेमी जोड़े किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन महज 4 महीने में ही उस प्यार को अपनी जिंदगी से बेदखल कर दे तो फिर यह कैसा प्यार है? दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर के सकरा थाना इलाके के सिराजाबाद गांव की है, जहां के रहने वाले एक युवक अमर कुमार को सकरा थाना क्षेत्र के गनीपुर बेझा गांव के रहने वाली विभा कुमारी से प्यार हो जाता है। वहीं प्यार जब अपने मुकाम को हासिल करने की कोशिश करता है तो इसकी भनक आस पड़ोस के साथ साथ लड़की के परिजन को भी लग जाती है, जिसके बाद लड़की के परिजन अपनी लड़की के प्यार के आगे घुटने टेक देते हैं और दोनों की शादी करा दी जाती है। वहीं जब अपने लड़के की शादी कराए जाने की सूचना लड़के के परिजन को लगी तो लड़का पक्ष के लोगों के द्वारा अपने लड़के के अपहरण की प्राथमिकी सकरा थाने में दर्ज करा दी गई। वहीं मामले में सकरा थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 दिनों के बाद लड़के को बरामद कर लिया और पूछताछ के बाद लड़के को पुलिस ने परिजन के हवाले कर दिया। वहीं शादी के बाद ही लड़की 4 महीने से अपने मायके में ही रह रही थी। इसके बाद कल नवविवाहित अचानक अपने ससुराल पहुंचे। वहीं अचानक लड़की के ससुराल पहुंचने पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। लड़की के पक्ष के लोग लड़की को घर में प्रवेश नहीं करने दिया, जिसके बाद लड़की ने इस गांव के एक स्कूल पर अपना आशियाना बना लिया। लड़की का साफ साफ कहना है कि मैं रहूंगी तो अपने पति के साथ ही रहूंगी। सर मेरी शादी हुई यहाँ पे, अब रहने नहीं देते हैं कोई आदमी। कितने साल पहले शादी हुआ था? बस 4 महीना पहले। कैसे शादी हुआ था? हम दोनों की बात होती थी, ये बात सारा घर जानता था कि हम बात होता है। अच्छा, कितने साल से इनके साथ बातचीत हो रहा था? 3 साल से हो रहा है। लड़का का क्या नाम है? अमर कुमार। अमर कुमार, कितने महीने पहले शादी हुआ? 4 महीने पहले शादी हुआ। राजी खुशी से हुआ था? राजी खुशी से हुआ। शादी कहाँ किए थे, कोर्ट मैरिज किए या मंदिर में शादी? किस मंदिर में?
गांव वाला मंदिर में। आपका क्या नाम हुआ? देवी कुमारी। आपके ससुर का क्या नाम है? जगत सा। सास का? सास का नहीं पता। आप क्या चाहते हैं, यहाँ आए हैं किस लिए? रहने आए हैं। रहने आए हैं। लड़का क्या कहता है, आप नहीं रखेंगे? वो बोलता कि नहीं रखेंगे। आखिर क्यों? पे राजी थे दो तीन दिन तक। हाँ। फिर इनके जीजा और भैया एक मौसी का लड़का गए, उस दिन से इनकार कर दिए कि नहीं ले जाएंगे। दो तीन दिन तक राजी थे कि हाँ ले चलेंगे, ले चलेंगे। अच्छा, आप आपका घर कहाँ हुआ? महसी में। इनसे कैसे वार्तालाप और बातचीत हुआ? बस मतलब कि फोन पे बात होती थी। उसको हम नहीं जानते हैं। वो कह रहा है आपके भाई अमर कुमार के नाम से शादी किए हैं। तो अमर कुमार को लेके आना चाहिए था उसको। अमर कुमार से जब शादी हुआ तो उसको अमर कुमार यहाँ रहेगा तब ना वो यहाँ रहेगी। अच्छा, ये लड़की का आरोप है जो कई सालों से हम उनसे बात फोन पे करते थे। देखिए, अब बात करता है या क्या करता है वो दोनों का मैटर है। अच्छा, उसको तो हमको नहीं पता है जो बात करता है कि क्या करता है। मेरे भाई का 4 महीना 3 महीना पहले अपहरण कर लिया था। अच्छा, और वही अपहरण कर लिया था तो वहाँ बोला था, यहाँ सब बोल रहा था कि हम शादी करा दिए। अब शादी उदी नहीं हुआ है और सिर्फ बोल रहा था शादी करा दिए हम। और ये बात हमको पता नहीं है जो शादी हुआ है या नहीं हुआ है। तो वही अपहरण का हम लोग केस किए हुए है। अच्छा, और उसका जब इसके यहाँ थाना गया है और थाना पर भी इसको बुलाया गया था, इस समय से कोई नहीं गया है थाना पर। और जब बुलाया गया था नहीं गया है तब अपहरण का केस हुआ था और अपहरण का केस चल रहा है। वक्त से चला, छोटे से ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इंपोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल्स, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा एक्शन कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टेक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है। तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ नहीं बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे। सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं
और एक बार सेवा का मौका दे। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1,00,000 की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाए। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा नारायणपुर रोड अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। हरी डिस्काउंट से हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सो सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है, हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। छठ पूजा में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर आरपीएफ ड्रोन कैमरा से नजर रखी। ट्रेन में लूटपाट या नशा खुरानी और पॉकेट मारी करने वाले की अब खैर नहीं, क्योंकि आरपीएफ ने छठ पूजा को लेकर विशेष मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म सहित सभी ट्रेनों में जांच करेगी। इसके अलावा आरपीएफ ने यात्रियों से अपील की है कि अगर आपके साथ किसी प्रकार की घटना हो तो तुरंत 139 पर कॉल कर सूचित करें। सूचना मिलते ही आरपीएफ के जवान यात्रियों तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा क्यूआरटी टीम का गठन किया गया है, साथ ही ड्रोन कैमरा से भी निगरानी रखी जा रही है। आरपीएफ इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि छठ महापर्व को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें यात्रियों से अपील की जा रही है कि किसी प्रकार से अनजान व्यक्ति से कोई भी खाने पीने का सामान ना लें। साथ ही प्लेटफॉर्म या इसके आसपास भटकने वाले संदिग्ध व्यक्ति पर भी निगरानी रखी जा रही है। अभी लगातार छठ पर्व को लेकर कई राज्य से भी लोग अपने घर के लिए आ रहे हैं, ऐसे में यात्रियों को भी सावधान होने की जरूरत है। ये छठ महापर्व को देखते हुए जो है दूर दराज के लोग अपने घर वापस लौट रहे हैं ट्रेनों में, उनके साथ किसी प्रकार का आपराधिक हस्तक्षेप न हो और उनकी यात्रा सुगम और सरल रहे, इसके लिए लगातार आरपीएफ द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्लेन क्लॉथ में भी जो है पूरे प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेटिंग एरिया और जहां भी भीड़ भाड़ वाले एरिया है हर जगह जो है आरपीएफ सजग और मुस्तैद है और यात्रियों को लगातार सजग किया जा रहा है कि किसी का दिया हुआ सामान न खाएं, किसी अजनबी से दोस्ती न बढ़ाएं, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। आरपीएफ उनके साथ हर समय है। 139 के बारे में बताया जा रहा है कि कहीं भी कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पर कॉल करिए, तुरंत आएंगे। खासकर महिलाओं, बच्चों के पति जो है, आरपीएफ की एक मेरी सहेली टीम है, वो हर जगह पहुंच रही है और उनकी लगातार सहायता पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। छठ पर्व को लेकर स्पेशल टीम बनाई गई है? जी हाँ, ये उच्चाधिकारियों के आदेश से कई ट्रेनों का जो है फेरा बढ़ाया भी गया और ट्रेनें भी चलाई गई है। ट्रेन में लगातार आरपीएफ, जीआरपी और कमर्शियल की टीम जो है इसमें काम कर रही है यात्रियों की सुरक्षा का। कई पीढ़ियों से गोलाबांध रोड में काच समाज के लोग चित्रगुप्त भगवान की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना करते हैं। बुधवार को शहर के विभिन्न इलाकों में चित्रगुप्त महाराज की प्रतिमा बैठाकर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान गोलाबांध रोड स्थित चित्रगुप्त महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई। पुरानी कथाओं के अनुसार मान्यता है कि चित्रगुप्त महाराज यमराज जी के साथ रहते थे और मनुष्य के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते थे और उसके कर्मों के हिसाब से मनुष्य की मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक में भेजते थे। चित्रगुप्त महाराज का पूजा कायस्थ समाज के लोग करते हैं। कायस्थ लोगों को
चित्रगुप्त महाराज का वंशज भी कहा जाता है, जिसको लेकर शहर से गांव तक धूमधाम से कायस्थ समाज के लोगों ने चित्रगुप्त महाराज की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की। शहर के गोला रोड में भी वर्षों से चित्रगुप्त महाराज की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है। महत्व यही है कि जो चित्रांश है उनको एक श्राप है कि कभी उनको अति नहीं होगा, इसीलिए आज के डेट में हम लोग चित्रगुप्त जी महाराज का यम द्वितीया के दिन पूजा करते हैं और उसमें आमद से ज्यादा खर्च लिखा जाता है, जिससे कि ये दोष कटता है। एक प्रयास मंच के सदस्यों ने पुरानी गुदरी स्थित स्लम बस्ती में छठ व्रतियों के बीच छठ पूजा सामग्री का वितरण किया। एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में छठ व्रती के बीच छठ पूजा सामग्री का वितरण किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि एक प्रयास मंच के द्वारा शहर में शिक्षा जागरूकता के साथ अन्य सामाजिक कार्य भी किया जाता है। अभी लोक आस्था का महापर्व डाला छठ यानी छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है, सभी लोग तैयारी करने में लगे हैं। इसको देखते हुए एक प्रयास मंच के द्वारा गरीब व जरूरतमंद छठ व्रतियों के बीच छठ पूजा सामग्री नारियल डाला सूप अगरबत्ती वितरण का सहयोग किया गया, ताकि ये लोग अपने परिवार के साथ खुशी से छठ मना सके। साथ ही मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप भी अपने आस पास ऐसे गरीब व जरूरतमंद लोग आगे आकर मदद करें, ताकि ये लोग अपने परिवार के साथ खुशी से छठ पूजा का त्योहार मना सके। जय छठी मैया। आज एक प्रयास मंच के द्वारा बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में छठ पूजा पर छठ व्रतियों के बीच छठ पूजा सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक प्रयास मंच के द्वारा अपने शहर मुजफ्फरपुर में लगातार शिक्षा जागरूकता के साथ साथ अन्य सामाजिक काम किया जाता है और अभी लोक आस्था का महापर्व डाला छठ यानी छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। इसी को देखते हुए मंच के द्वारा एक प्रयास किया गया, जिसमें कि गरीब जरूरतमंद छठ व्रतियों के बीच छठ पूजा सामग्री सूप नारियल अगरबत्ती वितरण किया गया, ताकि ये भी लोग अपने परिवार के साथ छठ पूजा मना सके। और साथ ही मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग भी ऐसे लोग, ऐसे परिवार और खासकर स्लम एरिया में, स्लम बस्ती में जाकर ऐसे लोग को मदद करें, ताकि ये भी लोग खुशी से पर्व त्योहार मना सके और आपका भी पर्व त्योहार खुशी से मना सके। सिकंदरपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में सोशल वर्कर फॉर वुमेन द्वारा छठ व्रतियों के बीच छठ पूजा की सामग्री का वितरण किया गया। सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से बुधवार को सरकारी प्राथमिक विद्यालय सिकंदरपुर के पास जरूरतमंद छठ व्रतियों के बीच छठ पूजा का सामान वितरण किया गया। मौके पर फाउंडर बबली कुमारी ने कहा कि हमारी संस्था के सभी सदस्यों ने आज श्रद्धा भाव के साथ जरूरतमंद छठ व्रतियों के बीच छठ पूजा सामग्री जैसे नारियल डाला सूप अगरबत्ती साड़ी गेहूं वितरण कर सहयोग किया है, ताकि ये लोग अपने परिवार के साथ खुशी से छठ पूजा मना सके। उन्होंने कहा कि हमारी प्रयास है कि इस बहाने भी हम समाज के उन महिलाओं से मिलकर उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास करें जो महिलाएं अभी तक गुमनामी के अंधेरे में हैं। हमारी संस्था सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से यहाँ पे गरीब बस्ती थी उनको छठ के लिए पूरा सामान दिया गया, जो जिस छठ व्रत में जो चीज़ें यूज होती है जैसे गेहूँ नारियल सूप कपड़े ये खीर बनाने के लिए साठी का चावल गुड़ श्रृंगार के सामान लहठी चूड़ी बिंदी इत्यादि सारी चीज़ें। उद्देश्य क्या है इन लोगों को देने का? इन लोगों के देने का उद्देश्य है कि कम से कम ये भक्ति भाव है हमारे छठ माता के प्रति एक आस्था है जो इन लोगों को थोड़ी सी कर पाए और इसी बहाने इनसे जुड़े और जुड़ करके इनको आगे लाएं और इनको एम्पावरमेंट एम्पावर करें कि ताकि आप जो है आप एक खुद सशक्त महिला हैं और आप खुद अपने बल पे बहुत कुछ कर सकती हैं, तो इनको एक सशक्त बनाने का एक प्रयास है जो इस बहाने इनसे जुड़ करके इनसे वो सारी चीजें पता कर सके और उन जड़ तक पहुंच करके और इनको उस ऊंचाई तक ले। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। अब तो का मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दी इजाजत। नमस्कार।